बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज एंड ब्रेड। पनीर और डबल रोटी बनाने में कौन सा अमल शामिल होता है? तो आपने आंसर लिखना है, दे मेक स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज इंक्लूडिंग मिल्किंग, फर्मेंटेशन, कोगुलेशन कार्ड एंड वे सेपरेशन, साल्टिंग एंड रिपिनिंग। माइक्रोबीज कंट्रीब्यूट्स टू द फाइनल फ्लेवर, स्मेल, टेक्सचर एंड कलर ऑफ चीज। नेक्स्ट, हाउ हैज बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन ओवर वर्ल्ड। बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी में क्या इनकलाब बर्पा किया है? जो आप अपने लिखना है, बायोटेक्नोलॉजी हैज प्ले अ रेवोल्यूशनरी रोल इन द इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस ऑफ हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट, हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर क्या काम किया? बायोटेक्नोलॉजी हैज प्ले अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। दोनों काम जो है वो सेम होगा। नेक्स्ट, हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, द एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड। बैक्टीरियल सेल में मौजूद डीएनए के अजाफी गोल शक्ल के टुकड़ों को कहते हैं प्लास्मिड्स। व्हाट मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पौधों में जेनेटिक मॉडिफिकेशन का क्या मकसद है? तो आपके आंसर कौन सा होगा, वो डी होगा, ऑल ऑफ दीस, जिसके अंदर ए बी और सी तीनों ऑप्शन मौजूद है। थर्ड है, प्लाज्मिड एंड अटैच्ड फॉरिजन गेन विद इट आर कलेक्टिवली कॉल्ड। प्लाज्माइड और इसके साथ जुड़े हुए जीन के मजमुए को कहते हैं रिकॉम्बाइनिंग डीएनए। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनिज्म हूज सेल एंड प्लाज्मिड्स आर यूजली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर जानदार। जिनके सेल और प्लाज्माइड आमतौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं तो वह जी बैक्टेरिया। नेक्स्ट है, सेशन ऑफ डीएनए सर्विंग ऑफ कोर्स फॉर डेवलपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए के हिस्से जो जानदार खसूसियात की नशोनुमा के लिए हदायत के कोर्स पर अमल करते हैं वो जीन्स कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। इसमें से बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होता तो वो उसको आगा कोनीन। नेक्स्ट, हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर गेट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन कैसे असर की जाते हैं? इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया। व्हाई डू जेनेटिक इंजीनियर्स यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जवाब, बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट एंड मेक क्लोनिस। नेक्स्ट, अ जीन इज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियन बाय। बैक्टीरिया में जीन दाखिल करने का तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग। शॉर्ट आंसर में पहला है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? 43 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज इन डिफरेंट वे टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बींग इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी जिसमें जिंदा शय को मुख्तलिफ तरीकों से बने नए इंसान की मदद और फायदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। सेकेंड है, नेम एट लीस्ट टू लाइफ सेविंग प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले इंसुलिन है, यूज ऑफ कंट्रोल डायबिटिक्स। दूसरी है वैक्सीन, यूज अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शन डिजीजेस। नेक्स्ट है, व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर बताना है, फिर हेल्थ है और फिर फूड प्रोडक्शन है। तो 41 पेज से आंसर स्टार्ट होगा। सबसे पहले है एग्रीकल्चर। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स इनटू द प्लांट्स। सच जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन्स विच आर हार्मफुल फॉर द वीड्स एंड पेस्ट इंसेक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए साइंसदान पौधों में जड़ी बूटियों के खिलाफ मदामफत और कीड़ों के खिलाफ मजाहमत के जीन दाखिल करते हैं। ऐसे जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा पौधे ऐसे प्रोटीन तैयार करते हैं जो कीड़ों के लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट था हेल्थ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट केस बाय डिजीज, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, करिंग एंड कुरेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स ETC आर द मेजर रोल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन डिवेलपिंग बेटर हेल्थ। बीमारियों की बुनियादी वजूहत की निशानदही, बीमारियों के खिलाफ दवाइयात की तैयारी, जीनियाती नकाइस का इलाज वगैरह बेहतर सेहत की नशोनुमा में इस टेक्नोलॉजी का अहम किरदार है। नेक्स्ट थर्ड था, थर्ड में आ जाएगा इंसुलिन।
useful for diabetes, vaccine, use against many infectious diseases, growth hormones used for stimulating growth, or beta endorphin are painkiller drug or interferon antiviral proteins. Next, construct response question hai to pehla ji, how can biotechnology be helpful in agriculture? Biotechnology agriculture ke liye kaise mufeed hai? 41 page ke iska start hoga. सबसे पहले एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आ जाएगी. बायोटेक्नोलॉजी हैज प्ले आर रेवोल्यूशनरी रोल इन इंप्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स. बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी ज़राअत को बेहतर बनाने और फसलों की आला पैदावार में एक इनकलाबी किरदार अदा किया है. उसके बाद आंसर स्टार्ट होगा, कल्टिवेशन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप्स इंप्रूव द यील्ड्स ऑफ द क्रॉप्स एंड मेक्स देम सेफ फॉर ह्यूमन यूज. दिनियाती तौर पर तब्दील शुदा ऐसी फसलों की काश्त फसलों की पैदावार बेहतर बनाती है और इन्हें इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज बनाती है. द मेजर क्रॉप्स दैट हैव बीन मॉडिफिकेशन आर मेजी, वीट, राइस, कैनोला, पोटैटो, ईटीसी. लिख देना आपने. नेक्स्ट है, ड्रॉग आउट एंड एक्सेसिव सॉल्ट इन द सॉइल आल्सो हैव द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन. खुशकसाली और ज़मीन में ज़रूरियात से ज़्यादा नमी की भी फसलें पैदावार स्टेज पर मज़र सेहत साथ मुरतब करती है. बायोलॉजिकल्स आर वर्किंग टू फाइंड जीन्स डैट कैन इनेबल क्रॉप्स टू टॉलरेट सच एक्सट्रीम कंडीशन. बायोलॉजिस्ट अपने जीन्स तलाश करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जो फसलों को इस तरह के इंतहाई हालात को बर्दाश्त करने के काबिल बना सके. साइंटिस्ट इन सम यूनिवर्सिटीज हैव इंट्रोड्यूस्ड अ जीन टू राइस आयरन कंटेंट इन राइस एंड वीट. कुछ यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने चावल और गंदम में आयरन की मकदार बढ़ाने के लिए एक जीन मुतारफ करवाया. दिस मे हेल्प टू ओवरकम आयरन आइडेंटिफिकेशन इन फूड. इससे खुराक की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है. इन पाकिस्तान मैनी बायोटिक क्रॉप्स सच एज वीट, राइस एंड पोटैटो हैव बीन डेवलप्ड. पाकिस्तान में बहुत से बायोलॉजिस्ट फसलें जैसे गंदम, चावल और आलू तैयार की गई है. नेक्स्ट, फाइंड आउट विच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग इन आवर डेली लाइफ. तो 42 पेज के डिस्कांस मौजूद है. पाकिस्तान में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उसमें इंसुलिन, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, बीटा एंड्रोफिन और इंटरफेरॉन. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है. तो ये दोनों क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, ये आपको बुक के ऊपर नहीं मिलेंगे, तो ये आपने खुद लिखने हैं. तो चलते हैं इन क्वेश्चन की जानिब. तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट इन हिस्ट्री वेयर पेंडेमेंटिक वाज कंट्रोल्ड बाय वैक्सीन. हिस्ट्री में मालूम करें के. तो आंसर, इन मई 1796 इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जीनर इंजेक्टेड बी ईयर ओल्ड जीन फिप्स विद मैटर कलेक्टेड फ्रॉम द पोपॉक्स सॉर्ट ऑन द हैंड ऑफ मेड डेजिपिट सफरिंग आर लोकल रिजेक्शन एंड फीलिंग अनवेल फॉर सेवरल डे. फिफ्स मेड अ फुल रिकवरी. फिफ्स बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू हैव क्लाइमेट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट हाउ टू बायोटेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक आर ऑल्सो यूज फॉर करिंग डिसीजेज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ. दिस डिसीजेज फॉर विच प्रीवियसली नो डॉक्टर ट्रीटमेंट वॉज अवेलेबल कैन नाउ बी ट्रीटिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स. Identification of root cause of this production of medicines for fighting against diseases, curing and correction of genetic defects are the major role of the technology in developing better health, where biotechnological products which are used in Pakistan to save lives. Next, mere paas project hai. Project ke andar kaha ja raha hai, conduct research in the supervision of your teacher to explore the outcomes of scientists in the field of biotechnology. Use biotechnology in the field of food production. तो ये हमारे पास साइंटिस्ट का नेम है नॉर्मन बॉर्डलिक. कंडीशन कंट्रीब्यूशन है क्रॉसब्रीड वीट वराइटीज टू अवॉइड डेविएशन. यूज बायोटेक्नोलॉजी टू इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हर्बर्ट बायर है. कंस्ट्रक्टेड साइंटिफिक विजन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन इंसर्टेड इट इन टू द बैक्टेरियम एक्सल अलोइंग द बैक्टेरियल प्रोडक्शन इंसुलिन. Use biotechnology in the field of agriculture. Dr. Monty Jones create rice variety breed of conditions of harsh climate with the ability to rice weeds survive drought and thrive in the poor soil. ये था मेरे पास क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी.